सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण एक नजर अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। पंजाब दे मुख सकत्तर वीके जंजुआ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे होए नतमस्तक। नगर निगम दे कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने अपना चार्ज संभालिया। डेंगू तो बचाव ले लोग आले दुआले पानी इकट्ठा ना होन देन, आख्या सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने। अते हुन खबरां विस्थार नाल। पंजाब दे मुख सकत्तर वीके जंजुआ अपनी पत्नी अते बेटी नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए अते सरबत दे भले लई अरदास कीती। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री जंजुआ ने आख्या कि उन्हां नूं सरकार वल्लों जो एड्डी वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है, उह इस लई अकाल पुरख दा शुकराना करन आए हन। उन्हां आख्या कि भावें पंजाब अगे बहुत चुनौतियां हन, पर गुरु साहिब दी कृपा नाल इन्हां सारियां चुनौतियां नूं दूर करांगे अते मुड़ पंजाब नूं हरियावल पंजाब बनावांगे। श्री जंजुआ अते उन्हां दे परिवार नूं सूचना अफसर जसविंदर सिंह जस्सी ने श्री दरबार साहिब दा मॉडल अते सरोपा पा के सन्मानित वी कीता। इस मौके ते डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन, SDM हरप्रीत सिंह भी उन्हां दे नाल सन। पंजाब गुरु साहिबान दे नां ते चलदा है, ते अज असी इन्नी वड्डी जिम्मेवारी मिली है ते असी इत्थे गुरु साहिबान दा जिहड़ा नतमस्तक हो के उन्हां दा शुक्रिया करन आए सीगे, ते उन्हां तों असी अरदास भी करन आए सीगे कि असी जिहड़ा हैगा सानूं बल बख्शो ताकि असी पंजाब दी अपनी पूरी तनदेही नाल जो जिन्नी भी तुहाडी अपनी कपैसिटी इंटलैक्चुअल कपैसिटी है उहदे नाल जिहड़ा हैगा पूरी सेवा कर सकीए पंजाब दी, ताकि पंजाब जिहड़ा हैगा उस नूं असी मुल नगर निगम दे नव नियुक्त कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने नगर निगम विखे अपने दफ्तर विच अपना अहुदा संभाल लिया। उन्हां आख्या कि शहर दा संपूर्ण विकास अते लोकां दीआं निगम संबंधी मुश्किलां दा हल पहली वचनबद्ध है। इस मौके ते सेहत अफसर डॉक्टर किरण कुमार, विशाल वधावन, सफाई मजदूर यूनियन दे विनोद बिट्टा, सुरिंदर टोना अते केवल कुमार भी मौजूद सन। सेवा करने का मौका मिला है तो सेवा करेंगे। अभी फ़िलहाल तो आज पहला दिन है, अभी शाम को ही मैंने ज्वाइन किया है। एक दो दिन में या एक हफ्ते में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी एजेंडा क्या है, क्या काम करना है, कैसे करना है। पब्लिक जो पब्लिक ग्रीवांसेस जितने भी हैं, जिहड़ी भी पब्लिक नूं जिन्नी भी दिक्कत है उन्हें रिजॉल्व करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, शहर वासियों के लिए हमने थर्सडे का टाइम भी हम प्लान कर रहे हैं। कल हम प्रेस रिलीज दे देंगे कि किस समय से किस समय तक के लिए हम पब्लिक हियरिंग के लिए टाइम रखें। शहरवासियों को से एक ही अपील है कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सहयोग करें और उनको जो परेशानी है वो हमको बेझिझक बताएं, हम उनकी सारी परेशानी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बस अवेयरनेस तो लोगों के अंदर है और एक पुश देने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि मिल के कोशिश करेंगे तो मोटिवेट होंगे लोग। कुमार सौरभ जी आए ने अज, इन्हां दा असी इन्हां दे आउण ते शहर वासियां ने ते मुलाजमां ने तकरीबन साडी जिहड़ी जथेबंदी आ जिहड़ी उन्हां ने बहुत अच्छे ढंग नाल इन्हां दा धन्नवाद वेलकम कीता। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने लोगों नूं अपील कीती है कि बारिश के मौसम विच डेंगू तो बचण लई अपने घरां विच खुली थां ते पानी इकट्ठा ना होण दित्ता जाए, साफ सफाई रखी जाए अते कूलरां विच पानी इकट्ठा ना कीता जाए तां जो डेंगू दा लारवा इकट्ठा ना हो पाए। उन्हां इह वी दस्या कि जिला सेहत विभाग वल्लों सिविल हस्पताल अते सेहत केंद्रां विच डेंगू दे टैस्ट दी सहूलत प्रदान कीती जा रही है अते सिविल हस्पताल विच डेंगू दे मरीज़ां लई स्पैशल वार्ड भी बनाई गई है जिथे लोगों का डेंगू का फ्री इलाज किया जाएगा। देखो जदों जिहड़ा डेंगू दा लारवा हैगा उह जदों भी साफ पानी कितें भी खड़ा रहिंदा इक हफ्ते लई वो लारवा जिहड़ा हैगा पैदा हो सकदा। तो पहलां असी सारे जिन्ने भी अदारे ने सरकारी वो सरकार दी हदायतां ने ते प्राइवेट लोगों नूं अपील हैगी है कि हफ्ते विच एक दिन सरकारी तौर पर असी जिहड़ा फ्राइडे उन्हूं ड्राई डे बनाउने कि सारे कूलर आ जां जिहड़े पांडी दे कोई बर्तन हैगे आ उन्हां नूं साफ़ किया जाए
तो रगड़ के साफ किया जाए ताकि वो जो कोई लार्वा एग हैगा वो खत्म हो जाए। तो क्योंकि हुण बारिशां हो रही साफ पानी खड़ा रहिंदा ते आम तौर पर छतां ते कई वारी घरां दे पुराने असीं जिहड़े अनयूज्ड कोई यूटेंसल्स आ कोई पुराने टायर हुंदे आ वो पए रहिंदे आ। इस तरह यही अपील है सारे लोगों नूं कि घरां दे अंदर ते बाहर कोई भी पानी खड़ा ना होण दित्ता जाए। अजकल मौसम जिवें बारिश हो गई तो मौसम ठीक हो जाता असीं कूलर ही बंद कर दिंदे आ, पर कूलर असीं बंद कर दिंदे पानी असीं आम तौर पर उहदा खाली नहीं करदे। इस करके कूलरां नूं वी जिहड़े पानी हैगा उहनूं साफ कर दिता जाए क्योंकि डेंगू के जो केस है वो सारे पंजाब हो रहे हैं। तो अमृतसर च लकली हजे साढ़े कोई केस नहीं होया। असी भी अजनाले भी साडा जिहड़ा हैगा फ्री टैसटिंग सेंटर आ सिविल हस्पताल अमृतसर साडा फ्री टैसटिंग सेंटर आ ते गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज विच भी साडा फ्री टैसटिंग सेंटर आ। मेरी तुहाडे चैनल तो सारे जिहड़े अमृतसर जिले के वासी आ अपील हैगी आ कि जदों भी सानूं बुखार हुंदा ते नेड़े दे सेहत केंद्र च अपनी जिहड़ी स्लाइड आ वो बुखार दी बनाई जाए। तो जे वो डेंगी दे वर्गे जिहड़े एक सिम्पटम हैगे जिस तरह उहदे विच दर्द जिहनूं बोनी फीवर कहिंदे असीं हड्डियां वलगा दर्द हुंदा अखां दे पिछले पासे भी दर्द हुंदा उल्टी आ सकदी आ जिहनूं असीं जी मचलां कहिंदे आ। तो उस तों बाद जे वो थर्ड हैमरेजिक जिहड़ा डेंगू हैगा उहदे विच नक विचों खून आ सकदा कन्नां चों खून आ सकदा। पर जे भी तुहानूं फीवर बहुत ज़्यादा हैगा तो कोशिश करनी चाहिए कि टैसट कराया जाए अपना वो सारा असीं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो असी हर हस्पताल च डेंगू की वार्ड भी बनाई गई साढ़े वालों जिते कि डेंगू के मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता। इस करके जे किसी बुखार हैगा वो तुरंत नेड़े दे सरकारी सेहत केंद्र जाके अपना टैस्ट करावे ते सरकार वालों जो अपना इलाज हैगा वो फ्री करावे। बारिश का मौसम है और बारिश अक्सर डेंगू के केसिस देखने को मिलते हैं। इस तू लैके अमृतसर सेहत विभाग वालों सारे ही प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह होरां दा आखना है कि सारे सिविल होस्पिटल्स दे विच ते सरकारी सेहत केंद्र दे विच डेंगू के टैसट फ्री किए जाते हैं तो इलाज भी फ्री किया जाता। और दूजे पास उन्होंने लोगों नूं ये भी अपील की है कि वो अपने घर के साफ पानी इकट्ठा ना होन देन जिते भी साफ पानी इकट्ठा होंदा उसनों जल्द तो जल्द साफ करके रखन ता कि जिहड़ा डेंगू का लार्वा वो पैदा ना हो सके। सो लोगों भी चाहिए कि डेंगू को देखते हुए अपने आस पास पानी जमा ना होन देन और साफ सफाई रखन। कैमरामैन राकेश कुमार और संदीप सियाल फास्ट न्यूज़ अमृतसर। BNI एम्परर की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर BNI के मैंबर वालों व्यापार को होर वधाने लई संभावनावां ते विचार वटांदरा करदिआं संबोधन किया गया। शेफ अरुणदीप सिंह ने इस मौके पर अपनी प्रेजेंटेशन दी। इतिन सहगल, खुशबू सिंह, अमित शर्मा, एडवोकेट गुरकीरत सिंह, आर्यमन आर्य समेत सारे मैंबर मौजूद सन। मैं BNI ज्वाइन की थी। आई एम द मैंबर ऑफ BNI एम्प्रेस और इतने मैं बहुत ही वधिया और बिजनेस मिले जी और सारे ही बहुत सपोर्टिव ने और सारे एक दूजे के रेफरल पार्टनर्स ने और सारे ही बहुत अच्छा एक दूजे को सपोर्ट करके रेफर करके तो अपने अपने क्लाइंटेज वधा देने। BNI ज्वाइन करो अपने आप को BNI का मैंबर बना के तो एक साडा स्लोगन हैगा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो इस वास्ते जो असी देंगे सानू वापस आएगा। मैं इतने दूसरी बार आया जी BNI की मीटिंग एज अ गेस्ट और मैं बुलाया गया वे एक कॉन्सैप्ट है इन्हें इस चैप्टर के वास्ते वीडियो बनाने का। सो वेरी इंट्रस्टिंग कॉन्सैप्ट और कॉन्सैप्ट सारा पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वीडियो बनेगी और तुहाडे दर्शकों के रूबरू होएगी वीडियो एंड तुसी सारे भी इंजॉय करोगे। और आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग तरह के लोग यहाँ मिले जो एक दूसरे की हेल्प करें प्रमोटिंग देयर बिजनेसेस। अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप भी BNI ज्वाइन करें और अपना जो है बिजनेस है उसको ऐसे ही प्रमोट करते रहें अलग अलग तरीके से। पंजाब दे मुख सकत्तर VK जंजुआ अपनी अमृतसर फेरी दे दौरान श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे भी नतमस्तक होए। उन्हां श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर विखे मत्था टेकिया अते ठाकुर जी दा आशीर्वाद लिया। श्री दुर्गियाना कमेटी दे प्रधान रमेश शर्मा ने श्री जंजुआ नूं सन्मानित कीता। अमृतसर शहर दा बहुत ही महत्वपूर्ण चौंक जिसनूं कस्टम चौंक दे नाम तों जाणिआ जांदा है उत्थे काफ़ी समय तो ट्रैफिक सिग्नल खराबी हालत में चल रहे हैं अते प्रशासन वालों इस वल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वालों जागरूकता किया जा रहा है लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक नहीं किए गए। लोगों का आखना है कि यह चौंक च लोगों की काफ़ी आवाजाही है अते ट्रैफिक सिग्नल ठीक ना होने कारण कोई भी अनसुखावी घटना वापर सकती है। इसलिए प्रशासन को इस वल जल्द ध्यान देने की लोड़ है। ये कस्टम चौंक है
तो मुश्किल है कि लाइटा बड़े देर तो बंद है गई सवेरे मतलब 10 बजे की गई हुई है तो हूँ आ रही है तकरीबन हाले तक भी नहीं आई 2 बज चले है लाइटा की खराबी हैगी है तो इन्हों की टाइमिंग भी नहीं सही हैगी इस करके पुलिस मुलाजमान भी दिक्कत आती है नहीं ट्रैफिक पुलिस मुलाजम तो बहुत वधिया काम कर रहे हैं मतलब सारी दिहाड़ी बहते भी नहीं है चौंक से खड़े रहते हैं इन्हों इन्हों वालों कोई कंप्लेट नहीं हैगी है चाहिए प्रशासन है कि जिस तरह लाइट है गई है कंप्लेट भी मान लो की ना कोई आया ना कोई गया ये तो चाहिए ही है ना ये चौंक है जी कस्टम चौंक इन कहें लाइट जी गई है सवेरे 10 बजे की इस करके ट्रैफिक में सुचारू ढंग चलाने वास्ते असी ट्रैफिक ड्यूटी जी सही कर रहे हैं इशारे कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट या कोई होर ना हो जाए ड्यूटी है जी नौकरी आ इस करके करनी पैनी आ शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण चौंक कस्टम चौंक जिससे चौरस्ते के उत्ते जो देख लीए काफ़ी हैवी ट्रैफिक रोजाना ही रही है तो जे गल कर लीए इस चौंक की ट्रैफिक सिग्नल बंद ने तो बड़ी ही मुशद्दत दे नाल अपनी ड्यूटी तनदेही नाल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के अधिकारी कि एक साइड तो दूसरी साइड से जाने लोगों प्रेरित कर रहे हैं उन्होंने जागरूक कर रहे हैं तो समझा रहे हैं भी इस साइड में चलो पर लोड़ है जिला प्रशासन को इस वल ध्यान देने की जो ट्रैफिक सिग्नल ने वो नहीं बंद होने चाहिए चाहे वह बिजली विभाग है उस वल ध्यान देने की लोड़ है कि शहर के जिन्हें भी चौंक ने महत्वपूर्ण ने ट्रैफिक समस्या का हाल बहुत बुरा हो जाता है ज जिदा चौरस्ता है तो इतने ट्रैफिक पुलिस प्रशासन खड़े ने अगर ना खड़े होते एक्सीडेंट के खतरे भी हो सकते हैं लोगों दिया जाना ना जान कोई नुकसान ना हो जिला प्रशासन को सोचने की लड़ है जागन की लड़ है तो अपने काम जोड़े है सही तरीके करोड़ है तो लोगों का कोई नुकसान ना हो कैमरामैन रमन कुमार के सुशील शर्मा फास्टवे न्यूज़ अमृतसर फास्टवे वालों गुरुद्वारा शहीदां साहिब तो रोजाना चैनल नंबर 556 से गुरबाणी का सीधा प्रसारण किया जाता है इस सीधे प्रसारण के विशेष अधिकार सिर्फ फास्टवे के कोल ही हैं सवेरा केबल फास्टवे वालों रोजाना किए जा रहे गुरुद्वारा शहीदां साहिब के सीधे प्रसारण का सिग्नल चोरी करके इसनों दिखा रहे हैं जो कि एक कानूनी जुर्म है प्रशासन को चाहिए कि इस बारे कार्रवाई की जाए सरकार वालों सिंगल यूज प्लास्टिक दियां वक् वक् 19 आइटम्स अते पॉलीथीन बैग्स से पूर्ण पाबंदी लगाई गई है सिंगल यूज प्लास्टिक्स दियां वक् वक् आइटम्स अते पॉलीथीन बैग्स वेचन वाले दुकानदारां दा आखना है कि सरकार ने जेकर इन्हां सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स अते पॉलीथीन बैग्स से पाबंदी लगाई है तो व्यापारियों ते दुकानदारां नूं उन्हां कोल पिया स्टॉक खत्म करन लई कुछ समा दिता जाए इन्हां दुकानदारां दा आखना है कि हुण तां पेपर अते लकड़ी नाल बनिया आइटम्स ही सिंगल यूज प्लास्टिक दा बदल है पर इह कुछ महंगा है इस लई इसदी ग्राहकी हाले घट है व्यापारियों ते दुकानदारां दा आखना है कि सरकार उन्हां दा पक्ष भी सुने सर दुकानदारा वास्ते फिलहाल तो ऑप्शन हैगी कि चलो पेपर प्लेट की आइटम चलती पी हैं वुडन स्पून चलते पे है वुडन फोक चलते पे है बट ऑलरेडी कुछ कस्टमर दुकानदारा को जिहड़ा प्लास्टिक का स्टॉक पाया वास्ते गवर्नमेंट चाहिए कि टाइम दो कि अगलिया जी पेमेंट लगी इनवैसटमेंट लगी दी है वह निकलनी चाहिए है पैसे तो क्लीयर होन आफ्टरऑल इन्ने पैसे लगे रहे असी भी घर का खर्चा चलाना है बच्चों ने स्कूलों की फीसा देनी है बिजली के बिल देने हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि सानू टाइम देन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई में कहता बंद 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 डिपार्टमेंट वाले आकर चलान करी जा रहे हैं असी लोग पिस रहे हैं बिच चलो ठीक है असी गवर्नमेंट के नाल बंद कह रहे हैं असी भी कहने चलो ठीक है बंद कर देने पेपर की आइटम चलो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रोडक्ट साढ़े अगे लैके आन कि तुम यह प्रोडक्ट यूज़ करो यह आइटम चलन गई अगों असी तेजे नाल है असी भी सेल करा सू इस कोई प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट के इस 3-4 क्वालिटी आदि वजी भी है खाखी जाना वजिया कागज ग्लेस कागज होता वजी होंगे वो चलेगा अगों नहीं चलेगा हौली हौली कौन हाथ पेगी आप चलेगा ही चलेगा सर ऑल आइटम बेचते ही डिस्पोजल वगैरह लिफाफा पेपर आइटम सारी बेची थी सर 19 आइटम सानू कोई प्रॉब्लम नहीं 19 आइटम जी बंद की बंद रहन सानू कोई दिक्कत नहीं होना पर जो लिफाफा है लिफाफा हर एक की जरूरत बनी हुई है तुसी जिथे मर्जी कि हर दुकानदार नू जाके पूछ लो कि लिफाफा वो की जरूरत हैगी अल्टरनेटिव सर कपड़ा आंदा कपड़े में समान पाओ बाहर जाता महंगा वो महंगा वो 4.5-5 रुपये कोस्ट करता पर पीस जो 2 रुपये किलो कमांड है एक राशन वाला ही ला लो करियाने वाला ला रहे हो वो 2 रुपये किलो कमांड है एक आइटम चो 5 रुपये का लिफाफा कितों ला देगा सर हूँ सरकार ही दसे ना कि असी की बेची है इसलिए कुछ भी नहीं बिक रहा दुकानदार वेले बैठे ने और उजड़ते पे ने अल्टरनेट यह हो गया जिसे प्लास्टिक की प्लेट वरतते कुलचे छोलों वाले उत्थे हूँ पेपर की प्लेट वरतन गए कुलचे छोलों वाले हूँ दुध है दुध कि लैके जाएंगे सरकार भी दसे ना सानू अभी सरकार को मांग करने हैं कि जो चलता पे चलन दो ऑलरेडी तुम अपनी आइटम बंद नहीं करते
केंद्र सरकार वालों वक् उन्नी ऐसिया सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स ने जिन्होंने बैन किया गया है और जिक्र योग है कि 2016 पंजाब सरकार वालों पॉलीथीन लिफाफे भी बैन किए गए सन। सो दुकानदार आखना है कि सरकार इस फैसले को उदों तक वापस लेवे जदों तक लोगों के दुकानदार जो स्टॉक है वो क्लीयर नहीं हो जाता। और दूजे पास जेकर आल्टरनेट देखा जाए वह पेपर प्लेट्स ने या कपड़े के लिफाफे ने। दुकानदार आख रहे कि जी कपड़े की लिफाफे ने या जी पेपर प्लेट्स की आइटम्स ने उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, सो लोगों ने खरीदना मुश्किल है। सो दुकानदार ने एक बार फिर सरकार तो मांग की है कि कुछ समा दुकानदार दिता जाए ताकि जो पहला सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का स्टॉक है वो क्लीयर कर सकन और उस तो बाद चीज़ों उत्ते बैन किया जाए। कैमरामैन राकेश कुमार, संदीप चाल, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। पुलिस थाना रंजीत एवेन्यू ने दो दोषियों को गिरफ्तार करके इन्हों के कब्जे विचों चोरी का एक मोटरसाइकिल बरामद किया। 12 जुलाई की शाम को सेहत विभाग वालों मिली सूचना मुताबिक कोरोना केसों की गिनती है 10। जिला अमृतसर विच कुल कोविड के एक्टिव केस हैं 79। हुण वेला हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। बटाला रोड विखे सड़क दे विचों विच खड़ी नगर निगम दी ट्रॉली कारण लोग परेशान। ए ते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बॉटल बॉटल पासा जाने जा पन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव कम बैक बॉय बेबी वन मोर थोड़ा क्रैक गेट जान लेवा रे से मेरा स्वैग लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमृतसर एक पासे वधिया काम कर रहा है अते कई बार गलतियां भी कर जांदा है। असी अपने चैनल ते कॉरपोरेशन नाल जुड़ियां खबरां विखाउंदे आ अते उन्हां नूं एक्शन लैण दी डिमांड भी करदे आ। शहर विच कई जगह साडियां टीम्स जांदियां हन अते होर एक काम नूं कवर भी करदियां हन। देखने विच आया है कि चलते हुए काम विच गलतियां भी हुंदियां हन अते उन्हां नूं ठीक करना कॉरपोरेशन दा ही काम है। बटाला रोड ते BRTS दे एलीवेटेड रोड दे थले पिलर नंबर 22-23 नेड़े कॉरपोरेशन ने सड़क दे उपर रिपेयर दा काम कीता सी, जो कि कुछ समा पुरानी गल है। इस जगह उपर एक छोटी ट्रॉली खड़ी कर दिती गई सी तां जो लंघदे हुए ट्रैफिक नूं रिपेयर कीते हुए काम तो दूर रख्या जा सके। वेखन विच आया है कि हुण तक वो ट्रॉली उसी जगह पर खड़ी है अते उसनू हटाया नहीं गया, जबकि कीता होया सीमेंट का काम बहुत देर पहला सुक चुका है। कॉरपोरेशन नू चाहिदा सी कि काम खत्म होने तो बाद इस ट्रॉली नू हटा दिता जांदा, जो कि नहीं होया अते लंघदे ट्रैफिक वास्ते हादसे का कारण बनी हुई है। रात अते दिन बटाला रोड उपर काफ़ी ट्रैफिक चलता है अते इस जगह पर आके ट्रैफिक जाम लगन तक की नौबत आ जाती है। असी पुरजोर मंग करते हैं कि इस ट्रॉली नू जल्द तो जल्द उस जगह तो हटा दिता जाए तां जो कोई वड्डा हादसा ना हो सके। कॉरपोरेशन की गलतियां असं लगातार अपने चैनल पर दिखाने हैं। बटाला रोड के उत्ते इस वे खड़े हैं असं पेट्रोल पंप के बाहर पिलर नंबर 22 और 23 के कोल, जिद कि तुम देख रहे हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक कैरिज खड़ा है जिहड़ा कि उस वे खड़ा किया गया जो मेन होल में बनाया गया। कवर बन गया, रिंग बन गया है,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਟਾਲੇ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ਵਿਖੇ ਸ਼ਬੀਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸਨੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ 65 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਗੰਦ ਵੀ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਛਰ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਿਆ ਜੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗਰਦ ਜੰਮ ਗਈ ਆ, ਡਾਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕੂੜੇ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਈ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਲੰਪ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ।
इन्ने बीमार हो गए आ बच्चे ते एरा मसला हल करो जेड़ा ही जांदा मुड़ के कुछ करदे ही नहीं आ भाई साढ़े पासे बहुत गंद हैगा वा सीवर भरे पए आ जा रहे साढ़े बूहे अगे गंद बहुत धरदा पिया वा साढ़े बच्चे भी डिग जांदे आ पैरां दे विच पानी आंदा जांदा वा ते इत्थे कोई सुनाई नहीं करदे ते ना इत्थे झाड़ू फेरन वाला कोई आंदा ना इत्थे गलियां कड्ढन वाला आंदा कोई इत्थे नहीं कुछ करदा एदा मसला हल होना चाहीदा जे ना होया ते असीं चक्कर जाम कर देना जे तरन तारन नैशनल हाईवे मार्ग नंबर 54 ते छोटा हाथी यूनियन ने अपनी मंगा नू लै के जाम कीता अते धरना दिता गया। मांग कीती गई कि पंजाब विच जुगाड़ू मोटरसाइकिल रेहड़ियां नू बंद कीता जाए। SDM रजनीश शर्मा नू मांग पत्र भी दिता गया अते उन्हां आख्या कि यूनियन दीआं मंगा सरकार तक पहुंचा दित्तियां जाणगीआं। साडे जिहड़े छोटे हाथी आ इह विचारे भुखे मांडे किस्तां देण दे टैक्स देने आ ते उह कख वी नहीं देंदे ते माल सवारियां सारियां लई जांदे साडे टैक्सी वाले जिहड़े आ उह वी विचारे भुखे मरदे हुण। साडी मंग आ कि जुगाड़ू रेहड़ियां नू जिवें इन्हां ने कहा कि चलन दिओ उन्हां नू बंद कीता जाए। वैसे तो कोई भी सड़क नू रोकना गैर कानूनन ने इलीगल है पर बंदा इलीगल काम उदो ही करता जदों कितें सिचुएशन तो सिरों पानी लंघदा मजबूर हुंदा वे। इन्हां ने हुणे धरना चुकन का आश्वासन दिता वे पर जिहड़ियां इन्हां दीआं मंगां वे उह वी किसे हद तक जायज़ हैगीआं। सो इन्हां दीआं मंगां ते जायज़ ने ते माननीय डी साहब नाल जा के इन्हां दी मुलाकात करा के ते देखदे आं भी जे कोई इन्हां दा मंगां दा कोई जायज़ हल निकल सकदा। ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਗਵਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਯੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤੇਸ਼ ਸੇਠ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸੇਠ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਗਰੋਵਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ ਸਮਾਗਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲੋਂ SGPC ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਸਮਾਗਮ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਦੀ ਬਾਵਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਚੌਂਕ ਕਰਮੋ ਦਿਆੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਮਾਗਮ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਆਨੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 998 ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਯੁਵਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਵਕ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਵਿਕਾਸ ਸੂਤ 43B ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9888-555-230 ਜਾਂ SHO ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9781130215। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ VK ਜੰਜੂਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਆਖਿਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।